गुरुग्राम के लोग चिंतल पैराडिसो में हुए बड़े हादसे को भूल भी नहीं पाए कि प्राइवेट बिल्डर्स की लापरवाही से आए दिन हादसे हो रहे हैं। कभी किसी फ्लैट की बालकनी में दरार तो कभी गिर जाता है छज्जा, कभी लिफ्ट में फंसते हैं लोग तो कभी भर भराकर गिर जाती है इमारत। इसी क्रम में सोमवार को डीएलएफ फेज 2 में कावा होम्स द्वारा निर्मित N14/3 की चौथी मंजिल की 9 फीट ऊंची छज्जे की दीवार पड़ोस के घर में आकर गिर गई। हादसे के कुछ सेकंड पहले ही छोटे बच्चे मौके से गुजर ही रहे थे कि हादसा हो गया और वे बच गए। यहां के निवासियों की माने तो हादसे का कारण था बिल्डर की घोर लापरवाही और घटिया सामग्री और अकुशल मजदूर। यहां के निवासियों ने इस बारे में पुलिस को भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन देखना होगा कि पुलिस अब क्या एक्शन लेती है। चलिए आपको दिखाते हैं पीड़ित ने क्या कहा। 2 दिन पहले मैं अपने बच्चे को, 4.5 साल की बिटिया है, उसको लेके बस स्टॉप से, बस यहाँ से एंटर करके यहाँ पहुँची हूँ। और यहाँ से ये जो सीमेंट के आपको पत्थर दिख रहे होंगे, 10-12 ब्लॉक्स एकदम से धड़ाम 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 आके नीचे गिरे। और अगर हम जस्ट इधर की जगह इधर होते तो मैं और मेरी बेटी और मेरा बेटा भी था साथ में, हम तीनों नहीं बचने वाले थे। मतलब यहाँ पे हमारा नौकर है, वो जब काम वाम हो जाता है तो इधर बैठा रहता है। तो अब मैं आपको फोटोज़ वीडियोज़ दिखाऊँगी, ये कुर्सी कैसे गिर गई थी, यहाँ से यहाँ तक पूरा बाहर गमले वमले टूट गए थे, कितनी दीवार यहाँ से गिरी है। लापरवाही किसकी है इसमें? लापरवाही आप जो यहाँ पे अभी बिल्डर है मिस्टर करण मेहरा, वो उनको तो हमने 1 साल से बिल्डिंग बनते हुए हो गई है, आज तक कभी देखा नहीं है यहाँ पे, वो तो कभी आते ही नहीं है। और जो ठेकेदार है, मिस्त्री है, मतलब बिल्कुल ही लापरवाह ठेकेदार मिस्त्री है। मिस्त्री लोग ना ठीक से प्लस्तर कर रहे हैं, ना ठीक से ध्यान दे रहे हैं, ना ठेकेदार ध्यान देता है। मतलब जो यहाँ पे आप ये प्लस्तर होते हुए भी दिख रहे हो, तो यहाँ पे वो पानी से तराई कर रहे हो तो मीटर भी नहीं ढका था, वो भी मैं जाके ढकवा के आई हूँ। मतलब पूरे घर में हर जगह शॉर्ट सर्किट और करंट हो जाता, मतलब ना एकदम ही, मतलब वो बोलते ना जो पहली बार घर बना रहे हो ऐसा हाल हो रखा है। मतलब ना कोई सेफ्टी मेजर ले रखा है, ना कुछ ले रखा है। कितनी बार क्या कहते हैं आयरन की रोड होती है वो गिरी होती है, वो तो शुक्र है रात को गिरी थी तो कोई वो नहीं नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल ही कोई ना सेफ्टी मेजर ले रखा है, ना कोई ध्यान देते हैं। ट्रक आके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और पीछे से हॉर्न बजता रहता है, ना ट्रक साइड देते हैं, वो अपना सामान उतारने के बाद ही साइड में देते हैं। मतलब बहुत ही लापरवाही से काम हो रहा है, मतलब ऐसे तो कभी घर बनते हुए देखे नहीं मैंने। मटेरियल किस तरह का यहाँ यूज होता है? मटेरियल तो अब ऐसे तो मेरे को तो इतना अलाउड नहीं, इतना नहीं पता, बट क्योंकि ये मेरा जॉब नहीं है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है मेरे को ये लगता है कि बहुत ही जो प्लास्टर करने के लिए जो मसाला तैयार किया जाता है वो भी बहुत पतला और गीला तैयार किया जा रहा है। मतलब प्रॉपर अच्छा नहीं, अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो रही है उसकी। सेफ्टी की बात करें तो यहाँ सेफ्टी को लेकर इन लोगों ने किस तरह का इंतजाम किया? कोई इंतज़ाम नहीं है इनका, आप देख सकते हैं यहाँ से जब दीवार गिर के सारा पत्थर यहाँ पे, मुझे याद है जब यहाँ पे बन रहा था कोई ना टिन लगा रखी थी ना कोई और सेफ्टी मेजर था। यहाँ से तराई कर होते तो मीटर और तारों पे पानी गिर रहा होता था, कोई सेफ्टी मेजर नहीं ले रखा इन्होंने। इस तरह के जो हादसे हैं इससे किस तरह का नुकसान हो सकता है? मेरे और मेरे दोनों बच्चों की जान जा सकती थी अगर वो 2 सेकंड मतलब पहले हुआ होता, या मेरे बच्चे आप एक खुला ग्राउंड देख रहे हैं, बच्चे 2.5 साल के और 3.5 साल के हैं, यही साइकिल चलाते हैं, वो तो होने को तो बाई चांस उस टाइम और किसी भी वक्त हो सकता था, तो किसी की भी जान जा सकती थी। यहाँ पे गाड़ी ड्राइववे है, गाड़ी भी पार्क होती है, कई बार गाड़ी का भी नुकसान हो सकता था। यहाँ रैंप है, यहाँ पे भी गाड़ी पार्क होती है, गाड़ी का भी नुकसान हो सकता था। जा गाड़ी का तो चलो फिर भी भरपाई हो जाएगी, पर जान का नुकसान की कौन भरपाई करेगा? इस चीज़ को रोका किस तरीके से जा सकता है? इस मेरे ख्याल से ये जो लापरवाही करते हैं लोग उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इन लोगों को प्रॉपर एटलीस्ट जो बिल्डर है वो कम से कम आके देखे तो सही, उनका ठेकेदार उनके जो लेबर है वो कैसे काम कर रहे हैं, 1 साल में तो हमने देखा नहीं उनको कभी आते हुए, वो देखे वो आके खड़े होंगे तब तो पता चलेगा कि वो सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं नहीं ले रहे। गवर्नमेंट ने, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे होंगे ना कि बिल्डिंग बनाने के लिए ये सेफ्टी मेजर्स लेना है कि आपको टिन लगानी है, नेट लगाना है, जो भी लगाना है वो सब लगाने में ख्याल से लगाने से। और ठीक हो जो पर्सन है उनसे आपने बातचीत की इस बारे में? हाँ, हम डेली बेसिस पर ठेकेदार को बोलते थे, डेली बेसिस पर ठेकेदार, मतलब हम लोगों ने कितने बार करण मेहरा जी को कॉल किया है व्हाट्सएप के, ना व्हाट्सएप का रिप्लाई करते हैं ना कॉल उठाते हैं, कितनी बार आप शायद इनकी लेबरर से पूछ लीजिए वही बता देंगे कि रोज़ मेरे हस्बैंड रोज़ काम पे जाते हुए ठेकेदार को बोल के जाते थे कि नहीं बोल के जाते थे, मतलब रोज़ बोल के जाते थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, ना वो
अपने मालिक को कुछ बोलते थे? पुलिस और प्रशासन की तरफ से किस तरह की आप मदद चाहते हैं? पुलिस और प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि भाई जो भी ऐसे लापरवाही कर रहा है, जैसे भी लापरवाही कर रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और मेरे ख्याल से अच्छा दंड देना चाहिए जो भी यहाँ पे बिल्डर मालिक है, ताकि और लोगों को अकल आए और बिल्डर्सों को अकल आए, क्योंकि इससे जो गाड़ी की हानि होती है वो एक बात नहीं है, लेकिन हम लोगों की जान की हानि हो जाती तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता था। अब चाहे कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन अगर ये छज्जा कुछ ही सेकंड पहले गिरता तो बच्चों के चपेट में आने से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। ऐसे में सवाल अहम है कि आखिर लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे प्राइवेट बिल्डर्स पर कब कसेगा शिकंजा? दैनिक भरोसा के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट।